रिपोर्ट में आपके साथ में मैं हूं अनामिका। जी हाँ, इस वक्त की जरूरी खबर आपको बता दें कि अगर आपको बैंक का कोई काम है तो आज ही जाकर के, यानी कि शुक्रवार आज के दिन ही जाकर के उसको निपटा लें, नहीं तो 4 दिन तक आप बैंक का कोई काम नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, आपको बता दें कि कल यानी कि 13 मार्च को सेकेंड सैटरडे है, बैंक बंद रहेंगे। 14 मार्च को संडे है तो बैंक ऐसे ही बंद रहेगा। और 15 और 16 तारीख को आपको बता दें कि जितने भी सरकारी बैंक हैं उसके सभी कर्मचारी काम नहीं करेंगे, यानी कि स्ट्राइक पर रहेंगे। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर 15 और 16 मार्च को बैंक कर्मियों ने काम नहीं करने का फैसला किया है, यानी कि ये सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, बैंक के जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो लोग स्ट्राइक पर रहेंगे, हड़ताल पर रहेंगे, यहाँ तक कि एटीएम सेवा भी बाधित रहेगी। इसलिए जितने भी बैंक के काम है उसको हो सके तो आज ही निपटा लें, आज का पूरा दिन आपके पास है, आज निपटा लें। आपको बता दें कि SBI, PNB, इलाहाबाद, केनरा, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा और जितने भी सभी सरकारी बैंकों में कामकाज ठप रहेगा। BEFI के महासचिव नवेंद्र कुमार गुप्ता ने कहा कि यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर 15 और 16 मार्च को बैंक कर्मी स्ट्राइक पर रहेंगे, हड़ताल पर रहेंगे। 13 मार्च की सुबह 11 बजे से शहर के आजाद पार्क से विशाल रैली निकाली जाएगी। GB रोड, कलेक्ट्रेट, कचहरी रोड, काशीनाथ मोड़, स्वराजपुरी रोड, बाटा मोड़ होते हुए स्टेशन, रेलवे यूनियन ऑफिस पहुँच करके समाप्त हो जाएगी। 15 और 16 को सभी सरकारी बैंक बंद रहेंगे। ज़िले में विभिन्न बैंकों की करीब 300 शाखाओं में यानी कि 300 ब्रांचेस ऐसे रहेंगे जहां पर ताला लटका रहेगा। वैसे भी कई ऐसे काम होते हैं जो हमें करना पड़ता है, 4 दिन का वक्त काफ़ी लंबा वक्त होता है, इसलिए अगर 300 शाखाओं में जो भी सरकारी बैंक्स हैं वो सारे के सारे ये 4 दिन तक बंद रहेंगे, तो आज ही आपको बैंक के जितने काम है वो सारे निपटा लीजिए। निजी बैंकों से भी ये रिक्वेस्ट किया जा रहा है, यानी कि ये आग्रह किया जा रहा है कि वो भी हो सके तो इनका समर्थन करें, यानी कि जो भी प्राइवेट बैंक है वो भी बंद रहे। बताया गया है कि बैंकों के निजीकरण की नीति वापस लेने, जन विरोधी बैंकिंग सुधार पर रोक लगाने, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बचाने, सामाजिक बैंकिंग जारी रखने, जनता की बचत को सुरक्षित रखने और आम आदमी तक बैंकिंग सेवा पहुँचाने आदि की मांग को लेकर के ये स्ट्राइक की जा रही है। तो चलिए, वजह जो भी है बैंक कर्मियों की, लेकिन इससे आम जनता यानी कि आप पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ सकता है, इसलिए आज का दिन आपके पास है और इस वक्त की जो सबसे इम्पोर्टेंट खबर है वो आपको बता रही हूँ कि अपना बैंक का काम जितना है वो निपटा ले, आज ही 4 दिन तक आप बैंक का कोई काम नहीं कर पाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, नामिका को दीजिए इजाजत, नमस्कार।